डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, जबरदस्त शानदार होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर सेकंड। इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। इस लेक्चर में हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे काफी इजी वे में, जिसको समझाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ टर्मोलॉजी यूज किया है, क्लियर है, जिससे अपनी टाइम सेव हो सके, क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलारिटी का। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं वो क्या कहलाते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो मोलारिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्लियर है ना। तो मोलारिटी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, मोलारिटी को दूसरे तरीके से ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दिया है और उसमें सॉल्यूट दिया है बाय वेट परसेंट, क्लियर है। तो उसको सॉल्व करते हैं हम कैसे, अगर उस तरह का क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी ग्राम पर एमएल और इट कंटेन्स एक्स परसेंट बाई मास सॉल्यूट। तो एक्स परसेंट बाई मास सॉल्यूट, सबसे पहले हमने क्या किया कि सॉल्यूशन का हमने मास निकाल लिया, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी में हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है ना। अब इसमें बोला है कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्यूशन का एक्स परसेंट बाई मास है, तो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का मास है यहां पे डी इंटू 1000 और इसका एक्स परसेंट, तो एक्स बाई 100, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 10 इंटू एक्स इंटू डी, ये क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब जो सॉल्यूट का मास आ गया तो आप सॉल्यूट को मोल्स भी निकाल सकते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास बाई मोलर मास, तो मास कितना है सॉल्यूट का 10 इंटू एक्स इंटू डी और इसका मास मतलब मोलिकुलर मास एम डब्ल्यू, क्लियर है ना। तो मोलारिटी क्या आ जाएगा, अगर मोल पता है तो मोलारिटी भी निकाल सकते हैं कैसे, तो मोलारिटी बराबर मोल्स, तो मोल्स कितने हैं 10 इंटू एक्स इंटू डी बाई मोलिक्यूलर वेट, ये मोलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्यूट का मोलिक्यूलर वेट है, और बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां पे कितना है 1 लीटर, क्योंकि लीटर में होना चाहिए तो इंटू 1, तो ये क्या आ गया मोलारिटी का एक फॉर्मूला आ गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, 10 इंटू एक्स इंटू डी बाई मोलिक्यूलर वेट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं मोलालिटी का। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व है वो क्या कहलाएंगे, मोलालिटी। जो मोलालिटी होगी वो क्या होगी, टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होगी, क्लियर है ना। तो ये मोलालिटी हो गया। अब हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, और मोलालिटी इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए एन टू हमने जो टर्मोलॉजी यूज किया था भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या माना है, एम वन माना है, ये किस में है, केजी में है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स जो है आपका एन टू, और ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्लियर है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कैसे ले लिया हमने, सॉल्यूशन का डेंसिटी को, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया है डी, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितना है वी, तो सॉल्यूशन का मास क्या आ गया डी इनटू वी, और माइनस क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखेंगे, मोल बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलर मास, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा बोलो, मोल इंटू मोलर मास, तो मोल हमने क्या माना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल माना है हमने एन टू, और मोलर मास की जगह पर हमने क्या यूज किया है एम टू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि वॉल्यूम वी से डिवाइड कर दूंगा, तो जैसे मैंने वी से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, एन टू अपॉन वी डिवाइड बाई डी इंटू वी अपॉन वी माइनस एन टू बाई वी इंटू एम टू, क्लियर है। अब एन टू बाई वी को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी। तो यहां से डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं, मोलारिटी, ठीक है भाई, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया डेंसिटी माइनस यहां पे क्या हो गया मोलारिटी, और यहां पे क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसके इक्वल आ गया,
मोलालिटी के। लेकिन अब ध्यान में रखेंगे कि ये सारे जो टर्म है किस में है, केजी में आना चाहिए, क्योंकि एमोन किस में होता है, केजी में, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, एम इंटू 1000 बाई डी इंटू 1000 माइनस एम इंटू एम टू, ठीक है। तो ये मोलारिटी और मोलालिटी का बहुत बढ़िया इंटर कन्वर्जन का एक रिलेशन यहां पे आया, ठीक है। अगर मोलालिटी की वैल्यू आपको मालूम होते हैं, ऐसा मोलालिटी भी निकाल सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे इसको बिल्कुल सॉल्व करके, तो आप करिएगा, ठीक है। फिर यहां पे हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं पीपीएम और पीपीवी में। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मींस क्या हुआ। अब पीपीएम में कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10^6, क्लियर है ना। तो वेट ऑफ, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू अगर 100 हम कर देते हैं तो क्या आता है, वेट परसेंट आता है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट परसेंट इंटू 10^4, क्यों, क्योंकि 100 बनाने के लिए 10^6 में मैंने 10^2 ले लिया, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे मैंने बोला कि ये सैंपल ऑफ रिवर वाटर कंटेन 50 ppm के प्लस आयन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10^6 ग्राम वाटर सैंपल में 50 ग्राम क्या है, के प्लस आयन है, ठीक है। वैसे इन पार्ट्स पर बिलियन समझेंगे, पार्ट्स पर बिलियन मतलब कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर बिलियन हम कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10^9, ओके। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, अगर दो कंपोनेंट है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, सॉल्वेंट का क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स, ठीक है ना। फिर हम एक नया इंटर कन्वर्जन की तरफ चलेंगे, वो क्या है, वो है हमारा मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। किसकी इंटर कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन की इंटर कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ मोलारिटी इक्वल में क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर, डेंसिटी इक्वल में मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर हम क्या रखेंगे, मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, एन टू इंटू डी और बाई क्या आ जाएगा यहां पे, मास, ये किसका है, मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो वॉल्यूम वी हमने माना है, किसका माना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माना है हमने। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, एन टू इंटू डी, एन टू इंटू डी डिवाइड बाई क्या करेंगे, सॉल्यूट, तो एन टू इंटू एम टू सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, एन वन एम वन। अब वहां पे मैंने V से डिवाइड किया था, यहां पे हम क्या करेंगे, N1 प्लस N2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अब डायरेक्ट यहां से मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक शानदार रिलेशन आने वाला है, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अपन क्या आने वाला है बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू M2 है ये, ठीक है। मतलब अब एम शानदार रिलेशन आने वाला है, एम बराबर X2 इनटू डी बाई मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस यहां से क्या आने वाला है, X1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या आ गया, एक बहुत ही शानदार रिलेशन आ गया, जिसको यूज करके बहुत कम टाइम में आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही बात करेंगे किसके हम, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो मोलालिटी इक्वल में क्या होता है, मोलालिटी इक्वल में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें भाई, केजी में, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, मोलालिटी इक्वल में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिखोगे, ये N2 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखोगे, सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्वेंट का मोल को टर्मोलॉजी हमने क्या यूज किया है, N1, और इसका मोलर मास क्या हमने यूज किया है, M1। फिर N1 प्लस N2 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे हमने N1 प्लस N2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो N2 बाई N1 प्लस N2 बाई N1 बाई N1 प्लस N2 इंटू M1। तो ये क्या आने वाला है मोलालिटी इक्वल में, N2 बाई N1 प्लस N2, N2 बाई N1 प्लस N2 क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई यहां पे क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोलो सॉल्वेंट इंटू क्या आ गया,
एम वन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू वन आती है, तो आप एक्स टू को वन माइनस एक्स वन या एक्स वन को वन माइनस एक्स टू लिख के आगे न्यूमेरिकल में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, इस पे बेस्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है कन्वर्ट 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन एवरेज सोल्यूशन इट्स मोलालिटी इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 20% बाई वेट क्या दिया है सोल्यूट और सोल्यूशन की डेंसिटी दिया है, तो मोलालिटी और मोलालिटी आपसे निकालना चाहता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो 20% बाई वेट दिया है, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम, ठीक है, सोल्यूशन में क्या है भाई 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम क्या है सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम सोल्यूट है और सोल्यूट यहाँ पे कौन है एन ओ एच, ठीक है, तो सोल्यूशन 100 ग्राम हो गया सोल्यूट 20 ग्राम हो गया, तो सॉल्वेंट कितना होगा बताओ, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है, मोल क्या आएगा सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है NaOH, क्या होगा गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन है 20 है और मोलर मास कितना आएगा NaOH का 40, तो कितना आया 0.5। अब मोल आ गया तो सबसे पहले आप यहां पे किसकी बात करेंगे मोलालिटी का, तो मोलालिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 सॉल्यूट का वेट 80 ग्राम है, तो इसे केजी में करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दीजिए आप 1000 से, तो यहां से क्या आ गया मोलालिटी आ गया। अब मोलालिटी की बात करते हैं कि मोलालिटी कैसे निकलेगा, तो मोलालिटी याद करो दो तरीके से निकलेगा, एक बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से चलते हैं, दूसरी डायरेक्ट 10 × x × d बाई मोलिकुलर वेट लगाएंगे, उससे काफी टाइम आपका सेफ होगा, ठीक है, जैसे उससे काफी टाइम काफी आपकी टाइम की बचत होगी, ठीक है, जैसे मोलालिटी की बात करते हैं, तो मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी इक्वल में क्या होता है, डेंसिटी इक्वल में होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी यहाँ पे दिया है 1.2, मास कितना दिया है सोल्यूशन का 100, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 100/1.2, ये क्या आ गया, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, तो यहाँ से आप मोलारिटी डायरेक्ट निकालोगे तो क्या आएगा 0.5 बाई वॉल्यूम कितना है 100/1.2, लेकिन लीटर में होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप मोलारिटी की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है ना, तो चूंकि वॉल्यूम निकाल के यहाँ पे करना पड़ा, जो सेकंड रूल अगर आपको मालूम है डायरेक्ट वहाँ पे आप लगाएंगे तो उससे भी संदार आपको बहुत कम टाइम में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कैसे, मोलारिटी इक्वल मैंने क्या बोला था 10 × x × d बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया 10 × x मतलब वेट परसेंट बाई सॉल्यूट, वेट परसेंट बाई सॉल्यूट कितना दिया है 20, ठीक है, और डेंसिटी कितना दिया है 1.2 और सॉल्यूट का मोलर मास कितना है भाई 40, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 6 मोलारिटी, तो ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो अभी तक लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में इंक्लूडेड जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है सबका इस क्वेश्चन में यूज आएगा, ठीक है ना, तो एक सब उसके बाद ये बाकी सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आया हूँ, ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।